आपको बहुत बहुत स्वागत आपका अपना कार्यक्रम दिल की बात एनपी फिल्म्स में। आज आपकी मुलाकात कराना उत्तराखंड की बहुत ही चर्चित अभिनेत्री, बहुत सुंदर और चुलबुली अभिनेत्री मनीषा पवार जी दगड़ में। इसलिए आज उनकी दिल की बात जाने उनकी मुख जुबानी। बहुत बहुत स्वागत है आपको मनीषा आज हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार गुड़िया जी, धन्यवाद जो आपन मैं थे अपना ये कार्यक्रम में बुलाई। जबकि हमारे दर्शक जन बचेन कि आप हमारे कार्यक्रम की पहली एंकर थे और आपन बहुत बड़ा बड़ा कलाकारों की इंटरव्यू ले आई। आज मैं तो बहुत खुशी होनी छे कि मैं आपको इंटरव्यू लूँ छो। गुड़िया जी मैं तो भी बहुत खुशी छे कि जय कार्यक्रम में मैं इंटरव्यू लेंदु छो, आज वही कार्यक्रम में मेरू इंटरव्यू लियो जानू छे। मनीषा आप उत्तराखंड में कै जगह पुर दू और अपना परिवार के बारे में थोड़े से परिचय हम तो बतावा। मेरे गांव उत्तराखंड में कीर्तिनगर से उब्बू धार पैया कोटी चा और मेरे पिताजी को नाम श्री जितेंद्र पवार चा जो कि उत्तराखंड का लोक गायक छिन और मेरी माताजी को नाम श्रीमती प्रिया पवार चा और हम तीन भाई बहना छिन। सबसे बड़ी मैं अच्छा हूँ, फिर मेरी छोटी बुली प्राची पवार और फिर मेरे छोटा बुला अमन। मनीषा अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में हम तो कुछ बताओ। मेरु जन्मस्थान मसूरी में ची और ये का वास्ता मेरी शुरुआती शिक्षा दीक्षा जो ची वो मसूरी बिटिन भे, मतलब स्कूल है की पढ़ाए और अब मैं कॉलेज भी वकी बिटिन छ करनू और साथ ही मैं देहरादून बिटिन भातखंडे में लोक नृत्य में डिप्लोमा भी छू लूँ। आप तक कलाकारी का शौक कब और कन का चढ़ी? गुड़िया जी जनाब जानद छिन कि मेरे पिताजी श्री जितेंद्र पवार जी वो भी उत्तराखंड का लोक गायक छिन, तो मतलब हमते बहुत खुशी होंदी कि हमारे पिताजी लोक गायक छिन तो वो जब भी मतलब घर में अपड़ू रियाज करदा छा अपड़ा हारमोनियम दगड़ी बैठदा छा तो हमारा खुट्टा अपड़ा आप ही थिड़कदा रन छा, मतलब हमारे गढ़वाली में बोलो जाओ तो नचाड़ एकदम नचाड़ वाली फीलिंग ऐ जान छे। तो धीरे धीरे मतलब अच्छू लगदू छो जब भी कोई गीत सुनदा छा और जब धीरे धीरे स्कूल जान लग गिन तो स्कूल में भी कोई भी फंक्शन हो छो या कुछ भी हो छो तो वे में पार्टिसिपेट करदा छा और अच्छू भी लगदू छो तो इन करीक मैं ते शौक आई। तो मनीषा आप अभिनय के क्षेत्र में फिर कन के हैं? गुड़िया जी जन मैंने बताया कि बचपन बिटीक मैं ते यूँ सब चीज़ों को बहुत शौक था, तो मेरे पिताजी का एक बहुत ही अच्छा मित्र छन टिहरी मा रंदिन श्री कैलाश डंगवाल जी, तो उनका जो बेटा छिन उनको नौ छ गुंजन डंगवाल, तो वो गीत गान छा बचपन बिटी के उतर भी बहुत शौक छ। तो हम लोग मतलब जन बोल दिन बच्चा पार्टी तो हम लोग बच्चा बच्चा था तभी, तो जब वो गीत गान छा तो सब लोग बोल छा कि हाँ भाई बड़ा बड़ा होते तो सब भी लेन, तो हम इन करना कि बच्चों बच्चों से गीत करौना, तो हम मतलब सभी लोग तो उन भी सोची कि चला ठीक छी एक गीत हम मनीषा तय करौना, तो अगर माने जाओ या मी बोल दूँ तो मैं थे फर्स्ट टाइम जो कैमरा फेस कराए वो मेरा अंकल जी श्री कैलाश जंगवाल जी ने करवाए और मैं मतलब उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ कि उनकी वजह से मैं ई लाइन में आई हूँ। माता पिताजी को तो बहुत सपोर्ट रहा ही पर उनकी वजह से ई लाइन में आई हूँ और मैंने बहुत पहली जो सबसे पहली गीत करी वो गुंजन डंगवाल जी को करी छो हे मोहना। मैं तो अभी भी याद छ कि हम तीन छा एक और लड़की छ नताशा और मैं और सतवीर पवार करके लड़का छा उन करी छो हम तीनों गानू करी छो। आप तो अभिनेत्री के तौर पर कब बड़पन बैठ गए लोग? जन्मिन बोली कि बचपन में जब हम लोग करदा छा तो गीते की जब शुरुआत हुए तो धीरे धीरे करी तब पता नहीं छो कि कंपटीशन क्या होंदू मेहनत क्या होंदी, तो इन्हीं जब तीन चार गाना कर लीन तो क्या पता लोगों देखी होलू लोगों पसंद करी होलू, तो हमारा जो जागर सम्राट जी छन प्रीतम भरतवाड़ जी उनकी एक एल्बम आई छ सिलोरा वामा में एक गीत करी छो नंदू मामा जामा श्री अरविंद नेगी जी को निर्देशन छो जो कि बहुत ही अच्छा निर्देशक छन और तब रिपिटिन मी लग दूँ कि बहुत अच्छी पछाण वे गीतन में थे मिली और मीते बहुत खुशी भी च कि जब वो गीत मिन करी तो मतलब धीरे धीरे मतलब मीते पता भी चली कि कंपटीशन की होंदू मेहनत क्या होंदी और धीरे धीरे ई इंडस्ट्री का बारे में भी मीते पता चली और एक अलग ही शौक मतलब ई की तरफ बढ़ गए और धीरे धीरे मिन काफ़ी अच्छा गीत भी करें जनकी बिदोला भेगे और एक गीत छो जो आपी गुची ढोल रसिया वो भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करी और मीते मतलब बहुत खुशी छ
कि इतना अच्छा अच्छा गीत मीन करें और लोगों ने बहुत पसंद भी करें। आपन काफ़ी गायकों दगड़े काम करी और लगभग उत्तराखंड का सभी निर्देशकों दगड़े काम करी, तो आप तो यूँ दगड़े काम करके कल लगी मीते मन बहुत अच्छी लगी। और जब मैं शुरुआती तौर पर आए छोई लाइन में तो सबसे पहली हमारा बड़ा भैजी अरुण फरासी जी जो कि उत्तराखंड का बहुत अच्छा निर्देशक छन, वो दगड़ी मीन काम करी। फिर धीरे धीरे उत्तराखंड का सभी निर्देशक जन हमारा अरविंद नेगी जी बहुत ही अच्छा निर्देशक छिन, अजय भारती जी, विजय भारती जी, अंकुश सकलानी जी, उधर मिन काम करी और मीते बहुत अच्छी लगी कि लेके जन मिन बताया कि मेरा पिताजी लाइन से छन। तो मतलब सभी लोग मीते मतलब बहुत अच्छी सी रख दिन, एक परिवार का तौर तरीके से हम लोग रहना, तो मीते बहुत अच्छी लग दूँ और इन करी कि मीन सब निर्देशकों दगड़ी काम करी और मीते बहुत अच्छी लगी। जिनकी बहुत लोग भूल दबे छे ना और सोच दबे छे ना कि आप ई लाइन में अपने पिताजी की वजह से हैं, तो वे के बारे में आप क्या बोल चले? बहुत अच्छी बात पूछी आपन। जन मेरे पिताजी ई लाइन में छन तो मैं भी मार दूँ कि मेरे पिताजी को बहुत सपोर्ट छे। और जन लोग इन बोल दिन कि मैं अपनी पिताजी की वजह से ई लाइन में छाँ, तो छाँ मैं उनकी वजह से, लेकिन मेरी अपनी पहचान अपना ही वजह से बनी। मेरे पिताजी बोल दिन कि बेटा जब तुम अच्छा काम कर ला तभी तुम थे लोग जान ला, और अगर मेहनत नहीं कर ला तो लोग तुम थे कन के जान ला। तब पूरी मेहनत करा और अग्नय लोगों थे भी मतलब इन बढ़ावा दिया कि अगर कला कन, अगर कला कैमा और चैंदी तो पूरी मेहनत और लगन का दगड़ कन चैंदी। तो मेरे पिताजी को मेरे तक पूरा सपोर्ट चा, पर जब जो लोग इन बोल दिन तो थोड़ा दुख भी होंदू और अच्छू नहीं लगदू कि लोग इन कन छा बोलना। तो उन लोगों थे बता दियो कि इन कुछ भी नहीं छे, सपोर्ट पूरू छे, लेकिन आप लोग इन ना सोचें कि मैं अपना पिताजी की वजह से छाँ। आप लोग इन भी सोचा कि अगर मीमा मेहनत नहीं होंदी या टैलेंट नहीं होंदू तो मैं अग्नय कन के बढ़तू। द्वि लोग अगर अच्छा देखदा तो द्वि लोग बोलता भी कि हाँ भाई ये अच्छू काम नीचे करनी, अपना पिताजी की वजह से अग्नय छे, तो कोई बात नहीं द्वि गाना कर ली, कोई बात नहीं, अब ईत है नहीं बुलावा या कुछ नहीं करा। पर जब धीरे धीरे लोगों तक काम अच्छू लगी तभी लोगों ने मीठे बुलाए, और मतलब मीते बहुत खुशी छे कि मेरा पिताजी मीदर खड़ा छिन। तो मतलब इन करी कि बेटा अगर तुम कर ला तभी तुम थे लोग बुला ला, इधर कोई सिफारिश करने की जरूरत नहीं छे। तो मनीषा आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल, ये बात मैं भी पूछना चाहना चाहो, हमारा दर्शकगण भी पूछना चाहना चाहिए कि आप शूटिंग में बहुत टाइम से दिखे ना नहीं छा, तो वे की कोई खास वजह क्या? अब मतलब अच्छू भी लगणु छे और थोड़ा दुख भी होणु छे, पर कोई बात नहीं, हमारे जो दर्शक छन या आप लोग छन सभी एक परिवार ही छा। तो अब जय घर में बेटी होंदी तो आप थे तो पता ही छे कि बे बाबू थे बहुत ज़्यादा टेंशन होंदी कि यार बेटी बड़ी भेगे, बेटी बड़ी भेगे। तो जो अब बता दियो कि आप लोगों तक खुशखबरी भी छे कि मेरू रिश्ता भेगे, मैं एक नया रिश्ता में जुड़ू छाँ, और आप थे तो पता चाहिए कि जो ई लाइन में होलू वो अपना परिवार थे बहुत कम समय दी पौंदू। तो मैं सोची कि जब मैं ई लाइन में छाँ तो पूरा समय मैंने अपनो ई लाइन में दिनी, तो मैं अब थोड़ा ही टाइम अपना घर में छाँ या जबर तक रहूँ। तो मैं सोचू छो कि अपना परिवार थे पूरा समय दियूँ। मेरी माता जी जो छन उनकी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं रहती, जन मैं अपना परिवार में सबसे बड़ू छो तो ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी मैमू ही छन। तो इन सोची कि जबर तक मैं एक छो तबर तक अपना माता पिता थे समय दी। हमने आपने कई स्टेज प्रोग्राम और कई वीडियो में भी देखी, आप पर इतना काम करी कभी कोई कठिनाई का सामना करना पड़े आप तक? इन तो की बड़ी कठिनाई को सामना नहीं करनी पड़ी, पर हाँ जब इथे उथे कखी जानन तो हमारी जो दिनचर्या ची वो अस्त व्यस्त जरूर हो जाती। और आप थे तो पता ची कि जय काम थे हम अच्छु लग दू कन मा वे थे हम पूरा दिल से कर दिन, चाहे फिर कुछ भी कठिनाई हो। पर जन मैंने बताया कि मेरी माता जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो थोड़ा मतलब मेरे शोर घर में भी लगी रन छो, और जो भैर मेरू काम छ वो भी पूरू कन पड़ दूँ, कखी दूर जान पड़ दूँ या जो खाणु छ कभी वो टाइम पर नहीं खा सकता हम लोग, लेकिन अपनों ही काम पर ध्यान रह दूँ। पर इन कोई कठिनाई नहीं मिली, और जो हमारा इंडस्ट्री में लोग छिन वो तो बहुत ही अच्छा छिन। और जन लोग बोल दिन कि हमारे जो गढ़वाली लोग छिन वो बहुत ही अच्छा होन दिन, कि उनको स्वभाव छ जो वो बहुत अच्छे हो दूँ, तो मीठे मतलब बहुत अच्छू लग दू छो, और मतलब सभी उसी में थे बहुत प्यार मिली, और इन कोई मतलब मीठे लगी नहीं कि मीठे कोई कठिनाई हुई होगी। आप हमारे दर्शकों और कलाकारों का वास्ता कोई संदेश देना चाहना चाहें?
मैं अपना दर्शक और अपना कलाकार जो छन उसे यू ही संदेश देलूँ कि जन हम अपना परिवार में एकजुट मिली काम कर दन तन्नी अगर हम ये इंडस्ट्री में मिली और एकजुट भेगी काम कर ला तो हमारू काम बहुत ही अच्छा होलू और हमारा लोगों थे बहुत ज़्यादा पसंद भी आलू। और जो मेरा दर्शक छन जो मेरा कलाकार छन उसे मैं माफ़ी भी मांग दूँ कि अब तक के जदगा मैं काम करी मीठे पता ची कि आप लोगों थे वो बहुत पसंद है और अग्नय अब किले की मैं जन बोल दूँ कि मैं काम छोड़ ली तो अग्नय क्या पता मैं आप लोगों थे नहीं दिखूँ और मैं एक इन इंडस्ट्री में छू जो कि एक परिवार की तरह छ जॉन मीठे बहुत प्यार दिनी और अपड़ू आशीर्वाद दिनी तो मैं इन चांदू कि जन प्यार और आशीर्वाद आप उन मीठे इन इंडस्ट्री में दिनी तन्नी मेरा एक नया रिश्ता में जुड़नू छो तो वे में भी अपड़ू प्यार और आशीर्वाद देला। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपो मनीषा जो आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आप अपड़ू कीमती समय हम तरी आया। बहुत अच्छे लगे आपसे बात करके, हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छी लगा आपकी दिल की बात जान के। मैं आपको धन्यवाद कर दूं गुड़िया जी और साथ ही एनपी फिल्म्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं कि जो लोग मिथे खुजियाना होला उसे पता चल गए कि मनीषा पवार का ग्याई। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद गुड़िया जी और हमारे एनपी फिल्म्स को भी कि लेकिन आप लोगों से बात करी कि मिथे अपनी पुरानी बातें याद आएगी और मिथे बहुत अच्छी लगी और बहुत खुशी भी भाई। तो धन्यवाद। तो दर्शकों आज आपसे ये मुलाकात कर लगी मनीषा पवार जी की दिल की बात जान के, आप राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं और हाँ एनपी फिल्म्स से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने भूलिया। धन्यवाद।